नमस्कार साथियों स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल इजी ब्रिजी बायोलॉजी में इस वीडियो में हम क्लास एट्थ के फर्स्ट चैप्टर के एन क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर का नेम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स ये आपको जो रेड कलर से दिख रहे हैं ना ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं इनका यूज़ करते हुए आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं पहला द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड वॉट अगर हम एक तरीके के प्लांट्स को लार्ज स्केल पे ग्रो कराए एक ही जगह पे तो उन्हें हम क्या कहते हैं क्रॉप्स सेकेंड द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सॉइल पहला स्टेप क्या है कोई भी क्रॉप को प्रोड्यूस करने से पहले हम सबसे पहले सॉइल को क्या करते हैं लूजन अप करते हैं उस स्टेप को क्या बोला जाता है प्रेपरेशन ऑफ द सॉइल तो यहाँ पे क्या आएगा प्रेपरेशन थर्ड डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर जो आपके खराब सीड्स रहेंगे वो क्या होंगे अगर आ, मैंने ये एक्सपेरिमेंट आपको करने को कहा था और पिक्चर के थ्रू दिखाया भी था कि अगर आप एक हैंडफुल ऑफ वीट लोगे वीट ग्रेन्स लोगे अपने हाथ में और उसे किसी भी बाउल में या फिर ग्लास में अगर आप उसे डालते हो तो क्या होगा जो डैमेज सीड्स होंगे वो पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे क्योंकि उनमें वेट नहीं होता वो अंदर से हॉलो होते हैं और जो अच्छे सीड्स होंगे हेल्दी सीड्स होंगे वो वाटर के नीचे सिंक कर जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द वाटर नेक्स्ट फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशंट सनलाइट एंड डैश एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल कोई भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए सनलाइट के अलावा सॉइल से क्या क्या चाहिए वाटर चाहिए एंड न्यूट्रिएंट्स चाहिए ठीक है तो ये रहे आपके आंसर्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सेकंड क्वेश्चन मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी आपको कुछ uh, कुछ वर्ड्स आपको कॉलम ए में दे रखे हैं और कुछ बी में दे रखे हैं। तो आपको दोनों को मैच करना है कौन सा किसके साथ अच्छे से मैच कर रहा है तो इसमें पहला है खरीफ क्रॉप्स खरीफ क्रॉप कौन से होते हैं मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट वीडियो में खारिफ क्रॉप कौन से होते हैं जो रेनी सीजन में होते हैं रेनी सीजन में कौन से होते हैं पैडी एंड मेज़ तो फर्स्ट का क्या हो गया ई e. सेकेंड राबी क्रॉप्स राबी क्रॉप्स कौन से होते हैं जिनको वाटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और ये विंटर सीजन में हार्वेस्ट किए जाते हैं तो कौन से हैं राबी क्रॉप्स वीट ग्राम एंड पी नेक्स्ट इज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं जो फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं इनसे पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और इनके एग्जाम्पल कौन से हैं यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट तो थर्ड का क्या हो गया बी फोर्थ इज ऑर्गेनिक मैन्योर ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है इनमें से एनिमल एक्सक्रीटा काउडंग यूरिन एंड प्लांट वेस्ट ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर तो फोर्थ का क्या हो गया बी ये रहे आपके आंसर्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच आपको दो एग्जाम्पल्स देने हैं खारीफ क्रॉप के और दो एग्जाम्पल देने हैं राबी क्रॉप के तो खारीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया पैडी एंड मेज और राबी क्रॉप व्हीट एंड ग्राम एंड पी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अ पैराग्राफ इन योर ऑन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग ये चार आपको um, क्वेश्चन दे रखे हैं प्रेपरेशन ऑफ सॉइल सोइंग वीडिंग थ्रेसिंग इनके ऊपर आपको छोटा सा पैराग्राफ लिखना है और अपने शब्दों में लिखना है रटा रटा है नहीं ठीक है तो सबसे पहला है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल प्रेपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है सॉइल को प्रिपेयर करना ताकि उनमें हम क्रॉप्स को ग्रो करवा सकें प्रिपेयर करने से क्या मतलब है जो सॉइल के क्रम्स हैं उनको ब्रेक डाउन करना यानी सॉइल को लूजन अप करना ताकि जो प्लांट्स का रूट है वो डीप डाउन सॉइल uh, के अंदर जा सके उनको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सके वाटर मिल सके और एयर भी मिल सके ठीक है तो प्रेपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर हम क्या लिखेंगे इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन क्रॉप प्रोडक्शन क्रॉप प्रोडक्शन का पहला स्टेप है इट इन्वॉल्व्स लूजनिंग ऑफ द सॉइल दिस अलाउज़ द रूट्स टू पेनीट्रेट डीप इन द सॉइल इससे क्या होता है इस स्टेप में हम क्या करते हैं सॉइल को लूजन अप करते हैं ताकि सॉइल के अंदर जो प्लांट्स के रूट्स हैं वो पेनीट्रेट अच्छे से कर सके लूजनिंग ऑफ सॉइल ऑल्सो ब्रिंग्स न्यूट्रियट रिच सॉइल टू द टॉप लेयर विच इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स जब आप सॉइल को लूजन अप करोगे तो जो न्यूट्रियट रिच सॉइल है ऐसा सॉइल जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है वो ऊपर आ जाएंगे और प्लांट्स उन्हें अच्छे से यूज़ कर पाएंगे द लूज इन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ वर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द दॉयल दिज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ फाइमर, सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूज इन द सॉइल एंड ह्यूमस टू इट अगर आप लूजन सॉइल करते हो सॉइल को लूजन अप करते हो तो उससे क्या होगा अर्थवर्म उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं और माइक्रोब्स ग्रो करेंगे और अर्थवर्म को माइक्रोब्स को फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि ये सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं सॉइल को सॉइल में ह्यूमस ऐड करते हैं जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही नेसेसरी है तो आई होप ये प्रेपरेशन ऑफ सॉइल आप अच्छे से कर पाओगे नेक्स्ट है सोइंग सोइंग के बारे में आप क्या लिखोगे सोइंग में क्या होता है हम सीड्स को सीड्स uh, डालने की प्रोसेस को ही सोइंग कहते हैं हमें सीड्स कैसे यूज़ करने हेल्दी सीड्स यूज करने हैं डैमेज सीड्स का यूज़ नहीं करना है क्योंकि उनसे हमें प्रोडक्शन अच्छी नहीं मिलेगी और क्या यूज़ कर सोइंग uh, के लिए हम कौन सी मशीन्स यूज करते हैं ये लिख देना आप सोइंग के लिए हम एक तो ट्रेडिशनल मेथड वो फनल शेप वाला जो हमने देखा था वीडियो में वो यूज़ करते हैं या फिर सीड ड्रिल्स का इस्तेमाल अब मॉडर्न मशीन uh, के थ्रू किया जाता है तो सोइंग के अंदर हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन टू द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग यानी कि सॉइल को सॉइल के अंदर सीड्स पुट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं सोइंग हेल्दी सीड्स शुड बी यूज फॉर सोइंग सोइंग के लिए हमें हेल्दी सीड्स यूज करनी चाहिए तीसरा द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज फनल शेप्ड जो हम ट्रेडिशनली जो जिस टूल का जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं सोइंग के लिए वो फनल शेप का होता है और जो आजकल नाउ वट इज़ अ सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स आजकल सीड ड्रिल्स का इस्तेमाल किया जाता है और वो ट्रैक्टर ड्रिवन होता है और उसमें टाइम कंज्यूमिंग वो टाइम कंज्यूमिंग कम होता है और उसमें लेबर भी कम लगती है सीड ड्रिल्स में आई होप ये सोइंग भी आपको अच्छे से क्लियर होगा आप लिख सकते हो नेक्स्ट है वीडिंग वीडिंग क्या होता है वीडिंग जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए वीड्स क्या होते हैं मैंने बताया था वीडियो में वीड्स क्या होते हैं जो हम क्रॉप ग्रो कराते हैं जैसे हमने वीट का क्रॉप ग्रो कराया वीट के क्रॉप के साथ उस फील्ड के अंदर कुछ और भी प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं है तो उन्हें हम क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं रिमूव करना क्यों जरूरी है क्योंकि ये क्रॉप्स के लिए प्रॉपर सनलाइट और स्पेस वाटर न्यूट्रिएंट्स ये प्रॉपर आने नहीं देते इनका इस्तेमाल ये वीड्स भी कर लेते हैं इसलिए हमें वीड्स को रिमूव करना ज़रूरी है हो सकता है ये वीड्स हमारे लिए पॉइजनस भी हो सकते हैं ठीक है इसलिए वीड्स को रिमूव करने के प्रोसेस को हम वीडिंग बोलते हैं तो देखते हैं सम अनडिज़ाइरेबल प्लांट्स ग्रो अलॉन्ग विद क्रॉप एंड दीज अनवॉन्टेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं और इन अनवांटेड प्लांट्स को ही हम बोलते हैं वीड्स द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज अनवांटेड प्लांट्स इज कॉल्ड वीडिंग और जो इन अनवांटेड uh, प्लांट्स को रिमूव करने का प्रोसेस होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं वीडिंग लास्ट है थ्रैशिंग तो यहाँ आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये ऊपर का फार्मर क्या कर रहा है एक पत्थर सा नीचे रखा हुआ है उसके ऊपर वीट ग्रेन्स को वीट के पूरे स्टॉक को जो हार्वेस्ट करके लाया भी उसको उस पर बीट कराते हैं उससे प्रेशर की वजह से वीट स्टॉक से वीट ग्रेन्स अलग हो जाते हैं और यही प्रोसेस मशीन के द्वारा भी किया जाता है इसी प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं थ्रेशिंग इज सेपरेटिंग शाफ फ्रॉम ग्रेन बाई बीटिंग द क्रॉप अगेंस्ट अ स्टोन और वुडन वॉर क्या वही मैंने अभी बताया शाफ को रिमूव करने का प्रोसेस होता है यानी जो भूसा है उसको हटाने का इसको uh, इस, uh, एक स्टोन या फिर पत्थर या फिर वुडेन वॉर के अगेंस्ट पीटा जाता है इन दिस प्रोसेस ग्रेन्स फॉल फ्रॉम द स्टॉक ड्यू टू फोर्स फोर्स की वजह से जो ग्रेन्स है स्टॉक से अलग हो जाते हैं थ्रेशिंग इज ऑल्सो कैरिड बाई अ मशीन कॉल कंबाइंड विच इज अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर कम्बाइन के बारे में बताया था ये हार्वेस्टर की तरह भी वर्क करता है यानी कि क्रॉप को हार्वेस्ट भी कर रहा है और उसे सेपरेट भी कर रहा है इसलिए इस मशीन को हम कंबाइन बोलते हैं आई होप ये थ्रेशिंग भी आपको क्लियर होगा चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर फर्टिलाइजर्स मैन्योर से कैसे डिफरेंट होते हैं ये आपको एक्सप्लेन करना है तो मेन्योर्स क्या होते हैं सबसे पहले मैन्योर के बारे में आप पता करो मेन्योरस क्या होते हैं जो नेचुरली ऑप्टेन होते हैं काउड डंग हो गया और प्लांट वेस्टेज हैं डोमेस्टिक वेस्ट है इन सब को कम्बाइन करा के सड़ा गला करके मेन्योर तैयार करते हैं और ये ऑर्गेनिक होता है प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल भी है फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं ये फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं ये आर्टिफिशियल होते हैं और ये प्लांट्स के लिए उतने आ, लाभकारी नहीं होते सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देते हैं अब पॉइंट टू पॉइंट हम इन्हें लिख देंगे पहला है मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑप्टेंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज ये नेचुरल पदार्थ है जो किससे बनाया जाता है कैटल डंग कैटल्स में हमारे कोई भी आ सकते हैं काव बुफैलो बुल्स इन सब के जो डंग्स है वेस्टेज है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है इनके डिकम्पोजिशन से और प्लांट के रेसिड्यूज जैसे कि जो पत्ते गिर गए जो स्टेम्स गिर गए फ्लावर्स गिर गए इनके रेसिड्यूज़ का डिकम्पोजिशन करवाया जाता है यानी इनको अच्छे तरीके से सड़ाया गलाया जाता है फिर मैन्योर की तरह यूज़ करा जाता है और फर्टिलाइजर्स क्या है मैन मेड है इनऑर्गेनिक सॉल्ट है ये ऑर्गेनिक है और ये क्या है मैन्योर ऑर्गेनिक है फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक है ठीक है सेकेंड पॉइंट uh, आप लिखोगे मैन्योर कैन बी प्रपेयर इन फील्ड्स और फर्टिलाइजर्स इज प्रपेयर इन फैक्ट्रीज थर्ड मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल फर्टिलाइजर्स डजेंट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू दॉयल मैन्योर क्या होते हैं ऑर्गेनिक है और ये सॉइल के अंदर ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं फर्टिलाइजर्स किसी भी तरीके का ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराते मैन्योर इज रिलेटिवलीस रिच इन प्लांट न्यूट्रिय फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम मैन्योर के अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स उतने ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि हम क्या कर रहे हैं हम uh, फैक्ट्रीज़ में तो इन्हें बना नहीं रहे घर के अंदर ही फील्ड के अंदर ही बना रहे खुद से प्रिपेयर हो रहे ये न्यूट्रिएंट्स में रिच नहीं होते लेकिन फ़र्टिलाइजर्स स्पेशली न्यूट्रिएंट रिच ही बनाए जाते हैं जैसे नाइट्रोजन अलग से बनाया जा रहा है फैक्ट्रीज़ के अंदर पोटेशियम अलग से बनाया जा रहा है यूरिया अलग से बनाया जा रहा है यानी कि ये मेनली किसी एक न्यूट्रिएंट को टारगेट करके ही बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज के अंदर इसलिए मैन्योर्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम है और फर्टिलाइजर्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट डो नॉट कंटेन न्यूट्रिएंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो फर्टिलाइजर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो अभी हमने डिस्कस किया क्योंकि फर्टिलाइजर्स किसी एक न्यूट्रिएंट को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं आ, या फिर न्यूट्रिएंट्स के रेशियो को ध्यान में रख कर के कि इतना पोर्शन हमें नाइट्रोजन यूज करना है इतना पोटेशियम यूज करना है इतना हमें Uh, क्या कहते हैं नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फेट यूज़ करना इस तरीके से इन चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है और इसके एग्जांपल्स आप लास्ट में लिख दोगे मैन्यूर्स के, के एग्जांपल क्या है प्लांट रेजिड्यूज कैटल डंग वर्मी कंपोस्ट और फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल क्या है एनपीके एंड यूरिया सुपर फॉस्फेट एट्सेट्रा आई होप मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बीच का डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर होगा अब आप एग्जाम्स में कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज़ इरीगेशन डिस्क्राइब टू मैथड्स ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर इरीगेशन क्या होता है आपको दो मैथड्स बताने हैं जिनमें पानी की वेस्टेज कम होती है जिसमें जिसके थ्रू पानी को कंजर्व किया जाता है तो इरीगेशन क्या होता है प्लांट्स को एक फिक्सड इंटरवल के बाद वाटर सप्लाई करना ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरीगेशन द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन मेन सोर्सेज ऑफ इरीगेशन आर वेल्स ट्यूब वेल्स पॉन्स लेक्स रिवर्स तो इन सोर्सेज से हमें पानी मिलता है इरीगेशन के लिए कौन से दो मैथड्स हैं तो ये मेथड्स हैं स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरीगेशन सिस्टम ठीक है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में क्या है आ, लास्ट वीडियो में जब हमने देखा था इरिगेशन को अच्छे से समझा था तब हमने देखा था स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, है ये परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं इनके ऊपर नोजल्स लगे होते हैं ये नोजल्स रोटेट होते हैं और चारों तरफ पूरे फील्ड में वाटर सप्लाई करते हैं तो ये इस तरीके से लगता है जैसे बारिश हो रही हो ठीक है और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या था ये पाइप्स लगे होते और ये सीधे प्लांट के रूट्स तक जाते हैं ताकि वाटर की वेस्टेज बिल्कुल

प्लांट के रूट्स तक वाटर जाते हैं और इसमें बिल्कुल भी वाटर की वेस्टेज नहीं होती तो ये आप इरिगेशन और टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर ये आप लिख दोगे स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन इफ वीट इज सोन इन द खारिफ सीजन वट वुड हैपन डिस्कस आपको पता है वीट कौन से सीजन में उगाया जाता है राबी सीजन में ये एक राबी क्रॉप है राबी क्रॉप यानी कि विंटर सीजन में उगाया जाता है ठीक है तो अगर हम इन्हें रेनी सीज़न में यानी ख़ारीफ क्रॉप के सीज़न में अगर हम इन्हें हार्वेस्ट करते हैं कल्टीवेट करते हैं तो क्या होगा क्या होगा क्योंकि इन्हें वाटर के रिक्वायरमेंट कम है और रेनी सीजन में वाटर बहुत ज़्यादा होता है तो ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन भी कम होगी यही बात आपको लिख देनी है वीट इज़ अ राबी क्रॉप विच इज़ सोन फ्रॉम नवम्बर दिसम्बर टू मार्च और अप्रैल व्हीट एक राबी क्रॉप है जो नवंबर दिसंबर में लगाया जाता है और मार्च अप्रैल में इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है इट इज़ ग्रो इन विंटर एंड रिक्वायर्स लेस वाटर ये विंटर्स में ग्रो किया जाता है और इनको पानी की जरूरत कम होती है इफ़ व्हीट इज सोन इन ख़ारीफ सीज़न इट्स प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज कंसिडरेबली अगर हम ख़ारीफ सीज़न में इसे लगा देंगे जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो इसका प्रोडक्शन कम होगा ही होगा क्योंकि पानी की ज़रूरत कम है इन्हें हम पानी ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं तो प्रोडक्शन कम होगा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कॉन्टीन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड अगर हम कॉन्टीन्यूसली क्रॉप्स को किसी फील्ड में लगाए जा रहे हैं जैसे अभी हमने क्रॉप लगाया हार्वेस्ट किया फिर तुरंत हमने सॉइल को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया फिर से क्रॉप लगा दिया तो क्या होगा आपको पता है प्लांट्स जो हैं न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं सॉइल से अभी हमने क्रॉप लगाया प्लांट्स ने न्यूट्रिएंट्स उन क्रॉप्स ने न्यूट्रिएंट्स ले लिए लिए सॉइल से फिर से हमने दोबारा लगा दिया तो वो न्यूट्रिएंट्स तो दोबारा सॉइल में आ ही नहीं पाए दोबारा से हमने लगा दिया तो जो दूसरी बार हमने लगाया उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा इसलिए कहा जाता है कि प्लांट क्रॉप्स जो है एक प्लांटेशन के बाद यानी एक क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद थोड़ी देर के लिए तो कुछ सीजन मतलब कुछ मंथ्स के लिए उसे खाली छोड़ देना चाहिए ताकि फिर से सॉइल रिप्लानिश हो सके फिर से सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स आ सके देखते हैं आंसर Plants take up nutrients from soil for their growth. ठीक है प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लेते हैं सॉइल से अपने ग्रोथ के लिए कॉन्टीन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इट रिजल्ट इन डिप्लीशन ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम एटसेट्रा अगर हम कॉन्टीन्यूस प्लांट करेंगे क्रॉप्स को एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप तीसरी क्रॉप इस तरीके से करेंगे तो कुछ न्यूट्रिय जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है वो कम होते जाएंगे जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम है इनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ इल्ड ड्यू टू लॉस ऑफ न्यूट्रंट्स हैंस देयर शुड बी अ गैप बिटवीन क्रॉप्स इन ऑर्डर टू गेट अ गुल्ड एड गुड ईल्ड अगर हम लगातार प्लांट करते जाएंगे तो उनको न्यूट्रंट्स नहीं मिलेंगे प्रॉपर अगर प्रॉपर न्यूट्रेंट्स नहीं मिलेंगे तो जितनी क्रॉप की ईल्ड होनी चाहिए जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाएगी ठीक है इसलिए हमें कहा जाता है कि हमें कुछ देर के लिए गैप छोड़ देना चाहिए ताकि अच्छी प्रोडक्शन मिल सके नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट आर द वीड्स हाउ कैन बी कंट्रोल दैम अभी मैंने बताया था वीड्स क्या होते हैं जो क्रॉप्स के साथ कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है वो वाटर के लिए कॉम्पीट करते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए क्रॉप्स के साथ कॉम्पीट करते हैं सनलाइट के लिए कॉम्पीट करते हैं और स्पेस के लिए कॉम्पीट करते हैं ये इनको हम वीड्स कहते हैं और इन्हें कंट्रोल करने के कुछ प्रोसेस होते हैं जिनमें हमने डिस्कस किया था वीडियो के अंदर कौन से प्रोसेस होते हैं या तो हम प्लोइंग uh, करते टाइम जब हम हल चलाते हैं प्रेपरेशन करते हैं सॉइल का तभी हम इसको रिमूव कर सकते हैं ठीक है दूसरा हम खुरपी की हेल्प से काट सकते हैं उन्हें ज़मीन के बिल्कुल रूट्स के पास से काट सकते हैं खुरपी की हेल्प से तीसरा मेथड होता है केमिकल का छिड़काव करके जिन्हें हम वीडीसाइड्स कहते हैं उनके थ्रू हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं देखते Undesirable plants that grow naturally along with the crop are called weeds. The growth of weeds can be controlled in many ways. तो undesirable plants है वो crop के साथ grow कर रहे हैं उन्हें हम weeds कहते हैं और इनको हम बहुत तरीकों से control कर सकते हैं। पहला तो वही tilling और plowing before sowing crops helps in uprooting and killing of weeds. जब हम tilling कर रहे हैं, plowing कर, कर रहे हैं, जब हम हल चला रहे हैं, loosening कर रहे हैं soil की, अगर हम उसी time उससे क्या होता है कि जो आ, अनवॉन्टेड प्लान्ट वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं और उन्हें हम उखाड़ फेंकते हैं दूसरा है कि मैनुअली रिमूविंग देम यूजिंग खुरपी टू अप्रूव देम और कट देम क्लोज टू द ग्राउंड दूसरा हम क्या करते हैं खुरपी का इस्तेमाल करके एक तरीके का मतलब कि गोल सा होता है आपने पिक्चर देखा होगा जो हमने लास्ट वीडियो करी थी उसमें दिखाया था तो खुरपी का इस्तेमाल करके हम उसे बिल्कुल ग्राउंड के पास से काट देते हैं तीसरा हम विडिसाइड्स का छिड़काव करते हैं विडिसाइड्स क्या होते हैं ऐसे केमिकल्स जो वीड्स को तो किल करते हैं लेकिन क्रॉप्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते जैसे कि टू फोर डी टू फोर डी यानी कि टू फोर डाई फिनॉक्सी एसिटिक एसिड एसेट है और नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड एसेट। ये दो एग्जाम्पल्स है वीडीसाइड्स के आप चाहो तो याद कर लेना चाहो तो छोड़ सकते हो ठीक है तो इन तीन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ दिस वीडियो अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन ये आपको कुछ बॉक्सेस दे रखे हैं और इसमें नंबरिंग जो है ना उल्टी पुल्टी हो रखी है आपको क्या करना है नंबरिंग इनकी सही करनी है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस पहले होगा अगर हम शुगर केन का क्रॉप प्रोड्यूस करें यानी कि अगर हम आ, शुगर केन को क्या बोलते हो आप ईख गन्ने गन्ने के क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे हो तो अगर हम आ, तो उसमें कौन सा प्रोसेस पहले करेंगे तो ये कुछ स्टेप्स दे रखे हैं तो सबसे पहले आप कोई भी क्रॉप को प्रोड्यूस करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल तो पहले क्या आ जाएगा सॉइल को प्रिपेयर करना अब हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे प्लोइंग द फील्ड सॉइल का प्रेपरेशन करने में ही हम प्लोइंग और टीलिंग करते हैं हल चलाना और मतलब कि प्लोइंग uh, में क्या होता है सॉइल का क्रम्स को ब्रेक डाउन करते हैं तो फिफ्थ के बाद सिक्स वाला आएगा प्रेपरेशन ऑफ सॉइल देन प्लोइंग अब हमने प्लोइंग कर दिया अब हम क्या करेंगे सोइंग करेंगे अब हम उनमें बीज डालेंगे बीज डालने के बाद हम क्या करते हैं मैन्योर्स एड करते हैं ठीक है मैन्यूर्स को ऐड करने के बाद इरिगेशन उनमें पानी डालना इरिगेशन के बाद हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग करना और लास्ट में हम करेंगे सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री शुगर फैक्ट्री तक क्रॉप्स को पहुंचाना ठीक है तो ये पूरा प्रोसेस था आपको अच्छे से क्लियर होगा आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे चैनल को एक सब्सक्राइब देना ना भूलें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो